मोहम्मद ज़ुलकरनैन साहब ने एक सवाल पूछा, लिखते हैं, शहवत बहुत आती है, शहवत की कमी का कोई वजीफ़ा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलजवाब बिऔनिल मलिक अलवहाब, अल्लाहुम्मा हिदायतल हक वस्सवाब। अगर आप शादीशुदा हैं तो जब सच्ची शहवत हुआ करे तो अपनी ज़ौजाए मोहतरमा से ज़रूरत पूरी कर लिया करें, शहवत को तस्कीन हो जाएगी। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो शहवानी चीज़ों से परहेज़ करें, जैसे फिल्म बीनी, बदनिगाही और शहवानी ख्यालात वगैरह वगैरह। नीज़ ऐसी गर्म चीज़ें भी कम अज़ कम खाएँ जो शहवत भड़काती है। और मज़कूरा दुआ, मैं जो दुआ अर्ज़ करने लगा हूँ इसको कसरत से पढ़ें, इंशाल्लाह शहवत की शिद्दत में ज़रूर कमी आएगी और इस पर कंट्रोल होगा। अलबत्ता आप जल्द अज़ जल्द माँ बाप की सरपरस्ती में शादी की कोशिश करें, सबसे आसान इसका इलाज यही है। अच्छा, जो रूहानी दुआ है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व शर्रि बसरी व शर्रि लिसानी व शर्रि क़ल्बी व शर्रि मनीजी। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह लेता हूँ अपने कान के शर से, अपनी निगाह के शर से, अपनी ज़ुबान के शर से, अपने दिल के शर से और अपनी मनी के शर से। मिश्कात शरीफ सफ़र नंबर 217। वल्लाहु आलम अज़्ज़ा वजल व रसूलहु आलम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।